अगर हम सब ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं तो एक बात हमने बहुत जगह सुनी होगी, एक ऐसा वर्ड जो हमने हर जगह सुना होगा, उसका नाम है साइकोलॉजी। हर कोई साइकोलॉजी के बारे में बात करता है कि लॉस को कैसे मैनेज करें, प्रॉफिट्स में साइकोलॉजी को कैसे मैनेज करें, साइकोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है अगर हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हैं। तो हर किसी से हमने सुना है कि ग्रीड एंड फियर आर द बिगेस्ट डेविल्स ऑफ द मार्केट, उनको हम कैसे मैनेज करें, लेकिन ये हमने कभी नहीं सीखा है। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं अपने 17 सालों का अनुभव, जहां पर मैं बहुत सारे ट्रेडर्स से मिला हूं इन 17 सालों में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स से मिला हूं, और उनसे बात करके जो मुझे समझ में आया, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक डिफरेंट काइंड ऑफ डेफिनेशन फॉर साइकोलॉजी। एक ऐसी चीज जिसे अगर आप अपने ब्लड ग्रुप में उतार लेंगे तो आप चाहे किसी भी सेटअप पर काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी स्ट्रेटजी पर हैं, डेटा सेटअप पर काम कर रहे हैं, या रैंडम ट्रेड्स भी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा मार्केट में प्रॉफिटेबल ही रहेंगे। आइए समझते हैं इस पूरी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को कि ये होता क्या है और किस तरीके से साइकोलॉजी हमारे बिगेस्ट चंक ऑफ प्रॉफिट्स को खाती है और कैसे हमें लॉसेस की तरफ ले जाती है। आपने बहुत बार सुना होगा कि पर्सन ए है कोई, उन्हें मार्केट में 5 लाख का लॉस है, पर्सन बी है उन्हें 10 लाख का लॉस है, पर्सन सी है उन्हें एक्स अमाउंट का लॉस है, एंड सो ऑन। जब मैं बहुत बड़े बड़े इवेंट्स में जाता हूँ, इवेंट्स में मैं एज ए स्पीकर स्पीकिंग करता हूँ, तो बहुत सारे हैंड्स खड़े हो जाते हैं जब मैं बात करता हूँ कि मार्केट में कौन कौन लोग इस समय लॉसेज में हैं। और जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपको कितना लॉस है, आपको कितना लॉस है, आपको कितना लॉस है, तो अलग अलग अमाउंट्स मेरे सामने आते हैं। अब मेरा सवाल आप सबसे यही है, जब हम सुनते हैं कि मार्केट में 99% F&O ट्रेडर्स को लॉस होता है, 90% ऑफ F&O ट्रेडर्स लूज देयर अकाउंट इन 90 डेज, दिस इज वॉट डेटा सेज। अब सवाल यह आता है कि अगर 95%, 99% और 90% इस तरीके की फिगर्स हैं जो लोग डेरिवेटिव में लॉसेस कर रहे हैं, तो जो ये लॉस हो रहे हैं किसी के अकाउंट में तो प्रॉफिट हो रहा है, बिकॉज डेरिवेटिव इज ए जीरो सम गेम। अगर आपको एक एक्स अमाउंट का लॉस हुआ है तो किसी ना किसी को तो प्रॉफिट हुआ है। अगर आपने किसी फ्यूचर को खरीदा है तो उसको किसी ने तो बेचा है, आपने किसी ऑप्शन को खरीदा है तो किसी ने तो बेचा है। और यहां पर वो एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं वो आती है, कई लोग मुझसे पूछते हैं क्या ऑप्शन बाई में पैसा बनाया जा सकता है, या ऑप्शन सेल में पैसा बनाया जा सकता है, या फ्यूचर में पैसा बनाया जा सकता है, क्या कमोडिटी में, क्या करेंसी में, एंड सो ऑन। और मेरा सबका यही सवाल होता है कि अगर आपने ऑप्शन बाई करके पैसा लूज किया है तो किसी ने तो उस ऑप्शन को सेल किया है, मतलब ऑप्शन सेलर कैन बी इन प्रॉफिट्स। अगर आपने ऑप्शन सेल करके भी लॉस किया है तो किसी ने तो उन ऑप्शंस को बाई किया है, मतलब ऑप्शन बायर कैन ऑल्सो बी इन प्रॉफिट। एंड सेम गोज फॉर फ्यूचर्स, करेंसीज, कमोडिटीज एंड ऑल द लिक्विड ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट्स इन द वर्ल्ड। अब सवाल ये आता है कि हमने लॉस किया तो किसी को तो प्रॉफिट हुआ, उसने ऐसा क्या किया कि उसको प्रॉफिट हुआ। और इस सारी साइकोलॉजी को समझने के बाद मैं अपना एक अनुभव आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूंगा। एक बार मैं काफी बड़े हॉल में एक जगह स्पीकिंग कर रहा था जहां पर काफी अच्छा ऑडियंस था, और उनमें से एक महानुभाव ने मुझसे पूछा कि सर
व्हाट इज द बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर यू प्रिफर? आजकल कई लोगों को प्राइस एक्शन का कीड़ा लगा हुआ है, कई लोगों को इंडिकेटर्स का कि सर प्राइस एक्शन में कुछ सिखाइए, सर इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, कोई बोलता है सर इंडिकेटर बेस को सिखाइए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि चाहे आप बात करें प्राइस एक्शन की, चाहे आप बात करें इंडिकेटर्स की, कुछ भी आप बात करें, जो अल्टीमेट मुद्दा है मार्केट का वो है आर यू एबल टू मेक द मनी, क्या हम पैसा बना पा रहे हैं। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द मार्केट। आज प्राइस एक्शन की बात करो, इंडिकेटर्स की बात करो, हैकनासी कैंडल्स की बात करो, वॉलेटिलिटी अवॉइड करने की बात करो या ट्रेंड की बात करो, अल्टीमेट गोल इज टू बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। आज हम कुछ ऐसी चीजों की बात करेंगे कि कैसे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं, और आगे जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके लिए लाने वाला हूं जो 17 सालों के अनुभव के बाद मैंने ऐसे इकट्ठे किए हैं कि अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप आजीवन लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे, या फिर ट्रेडर ही नहीं रहेंगे। ध्यान से सुनिएगा बहुत क्या मैंने स्टेटमेंट बोला है, या फिर से रिपीट कर रहा हूं, या तो आप उन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आप आजीवन प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहेंगे, या फिर ट्रेडर ही नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं आपको ऐसे रूल्स में बांध दूंगा, ऐसे डिसिप्लिन, ऐसे सेटअप में बांध दूंगा कि या तो आप रूल डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो प्रॉफिटेबल रहेंगे, और अगर फॉलो नहीं करेंगे तो ट्रेडर ही नहीं रहेंगे। अब चलते हैं उस हॉल की तरफ जिसका एक अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। तो एक महानुभाव ने मुझसे पूछा कि बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर कौन सा है। मैंने उनसे पूछा आप मार्केट में कब से ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि मैं मार्केट में पिछले 3 साल से ट्रेड कर रहा हूं। अगर आप मार्केट में पिछले 3 साल से ट्रेड कर रहे हैं तो आपकी क्या पोजीशन है, तो उन्होंने बोला कि मैं अराउंड 25 लाख रुपए के लॉस में हूं। और मैंने उनसे कहा हेयर यू गो, द बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर इन दिस वर्ल्ड इज ए ह्यूमन माइंड। ह्यूमन माइंड सबसे बड़ा टेक्निकल इंडिकेटर है। आपने 3 साल में 25 लाख रुपए लूज किया है। अगर आपने जो लास्ट 3 इयर्स में ट्रेड बनाए हैं, मैं जस्ट उसका रिवर्सल काम करता, मतलब अगर आप किसी चीज को खरीद रहे थे तो मैं बेचता, और बेचता तो खरीदता, तो वो 25 लाख रुपए किसकी पॉकेट में आते हैं? ऑब्वियसली वो 25 लाख रुपए उस पॉकेट में आ जाते जो उनकी, जो वो ट्रेड कर रहे थे, जो उनके रिवर्स ट्रेड करता। और जब आप किसी भी रूम में बैठना एक जिसमें 100 ट्रेडर्स हो एटलीस्ट, और जब आप एक सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस रूम में मिला करके अप्रोक्स 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ का लॉस है जो उन्होंने क्यूमुलेटिव किया है। और मेरा अगला सवाल और जवाब भी, अगर वो 100 ट्रेडर्स उस रूम में मिलकर के 1 करोड़ या 2 करोड़ का लॉस कर रहे हैं, अगर उनको जस्ट रिवर्स कर दिया जाए, उनकी ट्रेड्स को जस्ट रेप्लिका कर दिया जाए रिवर्सल्स में, मतलब वो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का प्रॉफिट आपकी पॉकेट में आ सकता है। इट मींस द बेस्ट सिग्नल्स ऑफ द मार्केट्स आर जनरेटेड बाय ह्यूमन माइंड्स। इसका मतलब यह हुआ कि पैसा प्राइस एक्शन नहीं, पैसा टेक्निकल इंडिकेटर्स नहीं, पैसा फंडामेंटल्स नहीं, पैसा बन रहा है ह्यूमन माइंड्स की साइकोलॉजी से। और जब मैंने उस रूम में पूछा कि इसमें से कितने ट्रेडर्स लॉस में हैं, तो उस रूम में 80% ट्रेडर्स का हैंड रेस था कि वो लॉस में है, और उनका कलेक्टिव अमाउंट मिला करके मल्टीपल करोड़ में था। और मेरा जवाब यहीं पर है कि अगर वो मल्टीपल करोड़ के लॉस में है तो कोई तो उस मल्टीपल करोड़ के प्रॉफिट में है। हार्ट रेट को रिवर्स ही तो करना है। आप इमेजिन कीजिए अगर आप लॉस में हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आप लॉस में हैं, तो आपने जो ट्रेड्स किए हैं अगर आप उनका जस्ट रिवर्स करते तो आप उतने ही अमाउंट के प्रॉफिट में होते। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आप इस कंटेंट को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, और आपको 2 लाख का लॉस है, और जो आपने काम किए हैं 2 लाख के लॉस को करने के लिए, चाहे 1 ट्रेड, 2 ट्रेड, 4 ट्रेड, 10 ट्रेड, 2 महीना, 6 महीना, अगर उस काम को जस्ट रिवर्स करते तो आप उतने ही प्रॉफिट में होते। मतलब खेल सारा साइकोलॉजी का है, खेल सारा ह्यूमन माइंड्स का है। और फिर से बोल्ड में बोल रहा हूं, इस लाइन को लिख करके चिपका लीजिएगा, द बेस्ट
टेक्निकल इंडिकेटर्स आर द ह्यूमन माइंड्स। अब सवाल ये आता है कि हम अपनी ट्रेड्स के रिवर्सल ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं, खुद अपनी ट्रेड्स के रिवर्सल ट्रेड्स हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा क्या तरीका लगाया जाए कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकें। चाहे आप ऑप्शन बाय करें, ऑप्शन सेल करें, या कोई सा भी मोड लें, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट लें, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने हर मोड्स में बहुत सारे ट्रेडर्स को लॉसेस में देखा है। इसका मतलब हर मोड्स में पैसा बनाया जा सकता है अगर जस्ट उस ह्यूमन माइंड की साइकोलॉजी को रिवर्स कर दिया जाए तो। और अब मैं लेकर के चलता हूं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स की तरफ जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप कभी भी लॉसेस की तरफ नहीं रहेंगे, हमेशा प्रॉफिट्स में रहेंगे। और सबसे पहला जो आता है, जो मैंने लोगों को देखा है ट्रेड करते हुए, आप नेवर एवर डू एनी रैंडम ट्रेड्स। पहला पॉइंट, कभी भी रैंडम ट्रेड हम नहीं करेंगे आज के बाद। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही आप शपथ ले लीजिए, आज ही आप कसम खा लीजिए कि मैं आज के बाद कोई भी रैंडम ट्रेड नहीं करूंगा। रैंडम ट्रेड का क्या मतलब होता है? आज ऑफिस की छुट्टी है, मन कर रहा है तो ट्रेड कर लेता हूँ, आज लंच टाइम में ऑफिस में मौका मिला है तो एक ट्रेड लगा लेता हूँ, आज कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के या अंडरलाइन के तो इसकी कॉल बाई कर लेता हूँ या पुट बाई कर लेता हूँ, आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज घर पर ही हूँ तो आज मैं ट्रेड करूँगा। इस तरीके से कभी भी हमें रैंडम ट्रेड्स नहीं करनी है, ट्रेड हम तभी करेंगे। अब हम चलते हैं रूल नंबर टू। रूल नंबर टू ये बोलता है कि ट्रेड हम तभी करेंगे जब हमारे पास प्रूवन बैक टेस्टेड डेटा सेटअप हो। प्रूवन बैक टेस्टेड डेटा सेटअप मैं उसे बोलता हूँ जिसमें कोई भी ऐसा सेटअप हमारे पास हो जो कम से कम पिछले 5 साल में लगातार प्रॉफिटेबल रहा हो। प्रॉफिट कम या ज्यादा इज अ डिफरेंट थिंग, लगातार प्रॉफिटेबल रहा हो। और जो प्रूवन डेटा बैक टेस्टेड डेटा सेटअप है उसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन हमें पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हम कितने ड्रॉडाउन तक उस डेटा सेटअप पर काम कर रहे हैं तो जा सकते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक ऐसा डेटा सेटअप है जिसमें एंट्री क्लियर है, एग्जिट क्लियर है, पोजीशन साइज क्लियर है, आपको अपना आरओआई पता है, मंथली आरओआई पता है, क्वार्टरली आरओआई पता है, उसके 5 साल का डेटा आपके पास है, आपको पोजीशन साइज पता है, आपको ये पता है वो इंट्राडे है या पोजिशनल है, ट्रेड का टाइम डिसाइड है, एंट्री एग्जिट टारगेट्स स्टॉप लॉसेस सब कुछ अगर आपको पता है और उसका पोजीशन साइज वेल डिफाइंड है तो आप कभी लॉस में हो ही नहीं सकते। हाँ, सिंगल ट्रेड में आप लॉस में हो सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं कि एक मैच्योर ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर एक सिंगल ट्रेड में लॉस में हो सकता है लेकिन एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल ही होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस में हो सकता है लेकिन एंड ऑफ द वीक प्रॉफिटेबल ही होगा। एक प्रोफेशनल ट्रेडर एंड ऑफ द वीक लॉस में हो सकता है लेकिन मंथ पूरा होते होते प्रॉफिटेबली होगा। और एक रियल प्रोफेशनल ट्रेडर मंथली भले ही लॉस में हो सकता है लेकिन क्वार्टर एंड होते होते प्रॉफिट में ही होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्रोफेशनल ट्रेडर। और एक रिटेल ट्रेडर इसके जस्ट उल्टा होता है, वो एक ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो सकता है, दो ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो सकता है लेकिन ओवरऑल एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द क्वार्टर वो अपनी मनी को लूज करेगा ही करेगा, गारंटेड वो अपनी मनी को लूज करेगा। और इसका रीजन आज मैं आज सबको बताने वाला हूं। सो पॉइंट नंबर 1 हमने डिस्कस किया, पॉइंट नंबर 2 मैंने आपको बताया कि प्रूवन बैक टेस्टेड डेटा सेटअप के बिना काम ना करें, और पॉइंट नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए, कभी भी बड़े रिटर्न्स हमें टारगेट नहीं करने। मैंने देखा है बहुत सारे आज टेलीग्राम चैनल्स आ गए हैं जिसमें हम बात करते हैं कि आप 10,000 रुपये लगा करके रोज के 1,000 रुपये कमाए जा सकते हैं, 1,00,000 रुपये लगा करके रोज के 5,000 रुपये कमाए जा सकते हैं। मैं आप सबसे पूछता हूँ ये कैसे पॉसिबल है? क्या आप ऐसी स्ट्रेटजीज
ढूंढ रहे हैं जिसमें मिनिमम ड्रॉडाउन एंड 100% हेजिंग के साथ आप कंसिस्टेंट रेगुलर मनी बना सकें, तो आप IBBM का ऐप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से डाउनलोड कीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए और आप मधुमक्खी के छत्ते की तरह इन टेलीग्राम चैनल्स पर जाते हैं जो बात करते हैं कि 1,00,000 रुपए लगा करके रोज के 10,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, अगर 1,00,000 रुपए लगा करके रोज के 5,000 रुपए भी कमाए जा सकते हैं, लोग बोल रहे हैं, तो 20 दिन की भी अगर मैं ट्रेडिंग लगाता हूं तो ये बात कर रहे हैं कि हर महीने में 1,00,000 रुपए लगा करके 1,00,000 रुपए कमाए जा सकते हैं। मतलब हर महीने पैसा डबल किया जा सकता है इनके अकॉर्डिंग, और हर महीने पैसा डबल किया जा सकता है। तो 1,00,000 के 2,00,000 हो जाते हैं एक महीने में, 2 महीने में 4,00,000, 3 महीने में 8,00,000, 4 महीने में 16,00,000, 5 महीने में 32,00,000, 6 महीने में 64,00,000 और 7 महीने में बिंगो, ये बोलते हैं आप करोड़पति बन जाएंगे। मतलब 1,00,000 रुपए के क्या 7 महीने में 1 करोड़ हो जाएंगे? आप अपने आप से पूछिए। आप सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, सो कॉल्ड में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इनके कहने में आ जाते हैं। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यू विल नॉट बिलीव, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बाद में आकर के हमसे मिलते हैं और बताते हैं कि सर हमने वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया था, उस जगह काम किया था, ये किया था, उन्होंने 1,00,000 पे 5,000 रोज बोला था। मैं आप सबसे पूछता हूँ, क्या इस तरीके के रिटर्न्स पॉसिबल है? अगर आप एक मैच्योर माइंड है तो आप समझेंगे कि आजकल कितना स्ट्रगलिंग है इकोनॉमी को आगे लेकर के जाना, कितना स्ट्रगलिंग है पूरी इंडियन इकोनॉमी को आगे लेकर के जाना, कितना स्ट्रगलिंग है किसी भी वर्ल्ड इकोनॉमी को आकर के लेकर जाना। और ये बात करते हैं कि हर महीने पैसा डबल किया जा सकता है। अगर हर महीने पैसा डबल किया जा सकता है तो क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेवकूफ हैं? क्या सारे बैंकिंग इंडस्ट्रीज बेवकूफ हैं? क्या पूरी इंडियन इकोनॉमी के सो कॉल्ड इतने एक्सपर्ट्स बैठे हैं बेवकूफ हैं? क्या हम लोग बेवकूफ हैं? आप अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए और आप लोग इनके कहने में आ जाते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आज के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज आप किसी भी ऐसे टेलीग्राम चैनल्स पर, ऐसे किसी भी एडवाइजरी सर्विस पर मत जाइए जो आपको इस तरीके के फेक प्रॉमिसेस करते हैं। एंड द रियल जेन्युइन रिटर्न ऑफ द मार्केट इज 20-24% पर एनम, नॉट पर मंथ, पर एनम। अगर आप 20-24% का रिटर्न पर एनम टारगेट कर रहे हैं और उसको कंसिस्टेंटली बना रहे हैं, बिलीव मी यू आर द वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड। 20-24% का एनुअलाइज रिटर्न एक बहुत ही बड़ा रिटर्न होता है, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप उसको कंसिस्टेंट रेगुलर बना सकें। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो होता है जब भी आप ट्रेड करते हैं तो मार्केट में क्या होता है, आप 3-4 दिन तक देखते हैं, आप शॉर्ट टर्म मेमोरी पर काम करते हैं। जैसे आपने 3 दिन मार्केट को देखा, मार्केट ऊपर खुला, उसके बाद सारा कवर हो गया, तो आप बोलते हैं मैं 3 दिन से मार्केट देख रहा हूं, मार्केट ऊपर खुल करके नीचे आ जाता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और चौथे दिन आप ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, चौथे दिन मार्केट ऊपर खुलता है तो आप ट्रेड ले लेते हैं। कभी भी हमें शॉर्ट टर्म मेमोरी पर कोई ट्रेड नहीं करना है, हमें प्रॉपर डेटा बैक टेस्टेड पर ही काम करना है। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। मेरे पास एक बार एक महानुभाव आए और बोले कि सर मैं देखता हूं कि रिलायंस के जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो इसके कॉल ऑप्शन को बाई करो तो उसमें मुझे पैसे आते हैं। मैंने उनको बोला बहुत अच्छी बात है, आप एक काम कीजिए, रिलायंस के पिछले जो 100 रिजल्ट्स आए हों लेटेस्ट, उनका जरा डेटा निकालिए कि कॉल ऑप्शन बाई अगर आप 9:30 बजे करते हैं और 3:15 बजे कॉल ऑप्शन सेल करते हैं तो क्या आपकी क्या पोजीशन होती, और जब वो उसको लेकर के आए तो ओवरऑल डेटा लॉस का था। मतलब मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, आपने एक रिजल्ट देखा किसी चीज को, 2 दिन बाजार को देखा, 4 दिन देखा, बाजार 2 दिन 4 दिन 8 दिन देखने का खेल नहीं है, बाजार एक कॉन्टिन्यूस जर्नी है जिसको हमें फॉलो करना है। कुछ लोग बिलीव करते हैं लक्स में, स्टार्स में, डेस्टिनी में। मैं अभी भी आपसे कहना चाहूंगा कि मार्केट कोई जुए का अड्डा नहीं है, मार्केट कोई डेस्टिनी की जगह नहीं है, मार्केट कोई स्टार्स की जगह नहीं है, मार्केट कोई प्लैनेट्स की जगह नहीं है कि मेरे ग्रह काम नहीं कर रहे हैं, मेरा समय खराब चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिमाग खराब चल रहा है। सच बात यह है कि समय खराब नहीं चलता, आपका दिमाग खराब होता है क्योंकि मार्केट आपको लियोर करता है। और आज अब मैं एक ऐसी बात बोलने वाला हूं, अगर आप लॉस में हो
और अगर, क्योंकि मेरी आपसे बात तो नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने 17 सालों के अनुभव से बता रहा हूं कि आपको लॉस कैसे हुआ होगा, और अगर इसी तरह आपको लॉस हुआ हो तो एक बार लाइक का बटन दबा के इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, हर ट्रेडर के मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन तक इसे पहुंचा देना, जो सो कॉल्ड ट्रेडर बनते हैं। मैं सो कॉल्ड इसलिए बोल रहा हूं कि बनते हैं, सिर्फ है नहीं, और बुरा मत मानना, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो। और मैं बता रहा हूं कि अगर आपको मार्केट में लॉस हुआ है तो कैसे हुआ होगा। आपने पहले मार्केट में ट्रेड करना शुरू किया होगा, आपको छोटे छोटे से प्रॉफिट्स जनरेट हुए होंगे, आप मार्केट में बहुत एक्साइटेड हो गए होंगे, फिर आपने वॉल्यूम बढ़ाया होगा, फिर आपको छोटा छोटा प्रॉफिट और ज्यादा होगा, फिर एक ऐसी ट्रेड आई होगी जो आपके लिए भयंकर निगेटिव काम करती है, और एक या दो ट्रेड में जिसमें आप वॉल्यूम पर होंगे वो आपके सारे प्रॉफिट खा करके आपको ओवरऑल आपके अकाउंट को उसने लॉस में खड़ा कर दिया होगा। लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर कीजिएगा अगर यही आपके अकाउंट के साथ हुआ है कि आपने छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाए और ओवरऑल बड़े लॉसेस दिए, लॉसेस की ट्रेड्स को होल्ड किया, वॉल्यूम में होल्ड किया और आप ओवरऑल लॉस में आ गए। लॉसेस की ट्रेड्स स्टॉक की भी हो सकती हैं, फ्यूचर की भी, ऑप्शन बाय की भी, ऑप्शन सेल की भी, लेकिन आपके लॉस होने का तरीका यही रहा होगा। और अगली बात जो मैं आपसे कहने वाला हूँ, आप मार्केट में शॉर्ट टर्म मेमोरी पर कभी काम मत कीजिएगा। हमेशा मैं फिर से कहना चाहूँगा, प्रूवन डेटा बैक टेस्टेड सेटअप हो तभी काम कीजिएगा। अभी क्या एक और किस्सा बताता हूँ, मेरे पास एक फ्रेंड आए और वो कहने लगे कि सर मैं देखता हूँ कि मार्केट में मोस्टली ट्रेडर तो लॉस में रहते हैं। तो मेरा आपसे सवाल है, जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो बार बार साइकोलॉजी की बात होती है। साइकोलॉजी क्या है वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की। साइकोलॉजी यही सब, कुंडली पर बिलीव करना, प्लैनेट्स पर बिलीव करना, लॉसेस की ट्रेड्स को होल्ड करना, प्रे टू गॉड करना अगर ट्रेड लॉस में जा रही है। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस से घबराना, स्टॉप लॉस इज ए हैप्पी लॉस। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि प्रॉफिट्स जो आते हैं वो स्टॉप लॉसेस से आते हैं, टारगेट से नहीं आते। स्टॉप लॉसेस को तो इतनी खुशी से लेना है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द गेम, लेकिन आप स्टॉप लॉसेस को खुशी से इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि आपका पोजीशन साइज इतना बड़ा होता है। अब आप इमेजिन कीजिए, आप रनिंग करने नहीं जाते कभी भी, और मैंने आपसे बोला कि पहले दिन ही आपको सुबह 4 बजे उठ करके 20 किलोमीटर की रनिंग करनी है, क्या आप कर पाएंगे? हो सकता है कोई कर पाए, कुछ तो बीच में मर जाएंगे, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आपको सुबह उठकर वॉक स्टार्ट करना है, शुरू के 10 दिन आधा आधा किलोमीटर वॉक करना है, फिर उसे डेली 100 मीटर से बढ़ाना है, फिर 3 महीने बाद थोड़ी थोड़ी रनिंग स्टार्ट करनी है, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 1 साल 2 साल 3 साल में आपको 10 किलोमीटर की रनिंग तक अपने शरीर को तैयार करना है, अपनी बॉडी को तैयार करना है। तब आप इमेजिन करना 3 साल बाद आप एक ऐसे धावक होंगे कि आप दौड़ नहीं रहे होंगे, आप उड़ रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी। अगर आप जिम जाते हैं, आज मैं आपसे बोलूं कि आपको पहले दिन आते ही 100 किलो वेट से चेस्ट मारना है, क्या आप मार पाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूं आपको जिम की शुरुआत करनी है, आपको पहले दिन 5 किलो से चेस्ट मारना है, 2 किलो से डंबल मारना है, धीरे 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 उसको बढ़ाना है, धीरे धीरे आप अपने आप को एक बॉडी बिल्डर की फॉर्म में पाते हैं, धीरे धीरे अपने आप को आप एक एक्सपर्टीज में चाहते हैं। तो मार्केट में पहले दिन या दूसरे दिन छोटे मोटे प्रॉफिट आते हैं, आप तीसरे दिन सीधा 100 किलो के डंबल क्यों उठा लेते हैं, मतलब पोजीशन साइज क्यों बढ़ा देते हैं, 1 महीने बाद ही आप सीधा 20 किलोमीटर की रनिंग क्यों करने लगते हैं। धीरे 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 अपने वॉल्यूम्स को बढ़ाइए, और जब आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो आप पाएंगे आप एक्सपर्ट्स हो चुके हैं। उन वॉल्यूम्स को कैसे बढ़ाना है, उन चीजों को कैसे करना है, इसके लिए हमेशा हमारा एक एडवांस ऑप्शंस का प्रोग्राम होता है, जहां पर हम पूरी हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको देते हैं कि कैसे स्क्रैच से लेकर के एंड तक हम मार्केट में जीरो से हीरो बने, एक एक्सपर्ट बने, जिसमें वो हम आपको सिखाते हैं। सो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। और कई बार हमने देखा है कि जब हमें लगातार प्रॉफिट्स आते हैं तो हम मार्केट में बहुत ऊंचाइयों पर अपने आप को महसूस करते हैं, अगर लगातार 4-5 स्टॉप लॉसेज आते हैं तो हम मार्केट से डरने लग जाते हैं, हम स्ट्रेटजियां ढूंढने लगते हैं, एक स्ट्रेटजी पर काम किया 3 स्टॉप लॉस आ गए, दूसरी स्ट्रेटजी पर जम कर दिया, दूसरी में स्टॉप लॉस आ गए, तीसरी पर जम कर दिया। एक स्ट्रेटजी अगर प्रूवन बैक टेस्टेड डेटा सेटअप के साथ है तो उसके साथ टिको तो यार। एक छोटा सा अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा, IBBM की हॉर्स राइडिंग स्ट्रेटजी के साथ अभी ऐसे हुआ, उसको
मार्च और अप्रैल में कुछ स्टॉप लॉसेस देखने के लिए मिले, लोगों ने शोर मचा दिया, स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, स्टॉप लॉसेस आ रहे हैं, और उसके बाद रिसेंट महीने में, मई के महीने में, उसमें अप्रोक्स 1300 पॉइंट्स का प्रॉफिट देखने के लिए मिला। और इसकी दूसरी साइड भी होती है, जैसे ही किसी स्ट्रेटजी में प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है, वाह सर आप तो भगवान हो, आप तो बाजार के सचिन तेंदुलकर हो, आप तो बाजार का ये, बाजार का वो, अलादीन का चिराग दे दिया है आपने, दिस एंड दैट। ऐसा कुछ नहीं है, हमने कुछ नहीं दिया, हमने आपको एक सेटअप दिया है, आप उस पर काम करेंगे तो ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल होंगे, स्टॉप लॉसेस भी आएंगे, टारगेट्स भी आएंगे, और एक जर्नी के साथ आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल होते जाएंगे। साइकोलॉजी बात करती है डेस्टिनेशन की, अगर हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो उसकी जर्नी को जानना बहुत जरूरी है। हम बार बार बात करते हैं कि यहां से 100 किलोमीटर दूर जाएंगे तो हमें एक बहुत सुंदर सा स्वर्ग देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये कोई नहीं बताता उस 100 किलोमीटर जाने के लिए बीच में दो बार आपकी गाड़ी का पंचर भी होगा, उसमें बीच में बारिश भी आएगी, बीच में आपको भूख भी लगेगी जहां खाना खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उसके बीच में आप आगे जाएंगे तो उसमें 4 गड्ढे भी होंगे रास्ते में, और वहां पर आपको रिक्वायरमेंट होती है एक एक्सपीरियंस पर्सन की जो आपको गाइड कर सके कि वो 100 किलोमीटर के रास्ते में कहां पर वो गड्ढा आएगा, कहां आपकी गाड़ी में टायर वायर में अगर पंचर होता है तो कहां पर आपको टायर चेंज करना है, कहां पर बारिश आएगी, कब आपको रेन का सामान रखना है, कैसे आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर सब बात कर रहे हैं प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स प्रॉफिट्स, डेस्टिनेशन की बात कर रहे हैं, जर्नी की बात तो कीजिए, जर्नी जब होगी तभी तो हम डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। सो अगर लगातार किसी सेटअप में आपको टारगेट्स आ रहे हैं तो वॉल्यूम मत बढ़ाइएगा, अगर प्रूवन बैकटेस्टेड डेटा सेट है, स्टॉप लॉस आ रहे हैं, पोजीशन साइज कंट्रोल है तो मत डरिएगा, रैंडम ट्रेड मत कीजिएगा, कंसिस्टेंसी वॉल्यूम को फॉलो कीजिएगा, आप लगातार प्रॉफिट में होंगे। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन माइंड्स आर द बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर्स इन द वर्ल्ड, और ह्यूमन माइंड की रिवर्स साइकोलॉजी, क्योंकि रिवर्स इसलिए करना जरूरी है क्योंकि सीधी में तो लॉस होता है, रिवर्स साइकोलॉजी की जो मास्टरी कर सके वही रियल ट्रेडर है। और इसीलिए लगातार मैं आपके साथ प्रोसेस की शीटें IBBM इंडिया के चैनल पर हम शेयर करते रहते हैं, जहां पर हम रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ ए रिटेल ट्रेडर माइंड के बारे में बात करते हैं, और बहुत जल्दी इसकी लाइव सीरीज में लेकर के आऊंगा जिसमें आपके साथ करेंगे ट्रेड लाइव। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ ए रिटेल ट्रेडर मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाला हूँ, और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से रिटेल ट्रेडर लॉस करेगा और हमें प्रॉफिट आएगा। दैट इज द बिगेस्ट साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट जो आप सीखने वाले हैं IBBM चैनल के थ्रू। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, योर होस्ट अनुज गौड़ फ्रॉम IBBM। थैंक यू।